हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में कि पास्ट लाइफ का भाव कौन सा होता है जन्म कुंडली में, ये हम आज जानेंगे। तो हमारे जन्म कुंडली में पास्ट लाइफ का भाव नौवां भाव होता है। नौवां भाव क्योंकि पास्ट लाइफ के संचित गुड कर्म को वो दिखलाता है कि पूर्व जन्म में या पूर्व जन्मों में अपने प्रारब्ध में हमारा जो संचित गुड कर्म है वह क्या है। और इसीलिए हम नवमांश कुंडली भी बनाते हैं कि नवे भाव के जो कुंडली है उस आधार से आपकी कौन सी कुंडली बन रही है और आपका जीवन अल्टीमेटली कहां और किस प्रकार रहने वाला है, तो वह हम नवमांश कुंडली से जानते हैं। नौवां भाव हमारा भाग्य स्थान भी होता है। बोलते हैं कि नौवां भाव में जो भी ग्रह रहे वो हमेशा ही शुभ फल को देने वाले रहते हैं क्योंकि वह भाग्य स्थान होता है। और नौवां भाव का जो योग बना रहे उसे और कोई भी योग नहीं काट सकता। तो हम अगर पास्ट लाइफ को जानना चाहेंगे अपने, तो पास्ट लाइफ के हम अपने कर्म को जान सकते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में हमने किस प्रकार का कर्म किया जो हम अभी इस अवस्था में हैं। अपने हमारी कुंडली वह पूरी प्रकार से कहती है कि हम अपने पास्ट लाइफ में हमारा कर्म किस किस प्रकार का रहा, और वो हम किस प्रकार जान सकते हैं अपने लग्न कुंडली से, ये हम आप आज देखेंगे। मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि हमारे जन्म कुंडली में पास्ट लाइफ के कर्म को कौन कौन से भाव दिखलाते हैं। पास्ट लाइफ का जो लेफ्ट कर्म रहता है, जो बचा हुआ कर्म, वो हमें सिक्स्थ हाउस दिखलाता है। पास्ट लाइफ का बैड कर्म हमें एट्थ हाउस दिखलाता है। पास्ट लाइफ का हमें संचित कर्म में फिफ्थ हाउस दिखलाता है। पास्ट लाइफ का हिडन कर्म हमें ट्वेल्थ हाउस दिखलाता है। और पास्ट लाइफ का गुड कर्म, जो संचित गुड कर्म है, हमें नाइन्थ हाउस दिखलाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो अभी हमारे जीवन में बचा हुआ जो हमारा कर्म है, जो हमारे पूर्व जन्मों में हमने कर्म किया, उन कर्मों में क्या चीज बचा हुआ है वो हमें सिक्स्थ पार्ट से पता चलता है, छठे भाव से कुंडली के पता चलता है। पास्ट लाइफ का जो बैड कर्म है, जो हमने बुरे कर्म किए हैं, वह अष्टम हाउस से पता चलता है, जिसके कारण हमारी डेथ या मृत्यु भी निर्धारित होती है। पास्ट लाइफ का संचित कर्म वह पांचवा हाउस रह होता है। जो हिडन कर्म है, जो हमें खुद भी नहीं पता, जो हमें हमारे से अज्ञानतावश या फिर भूलवश कोई अच्छा या बुरा कर्म होता है, वह कौन सा, वह बारहवां भाव रहता है। और जो पास्ट लाइफ का गुड कर्म रहता है वह नौवां स्थान रहता है। इसके साथ ही एक और भी थ्योरी है कि इन कर्म के भाव को, इन कर्म के भाव के फल को इस भाव से आठवां भाव काटता है, एट। तो अगर हम छठा घर को देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो छठा भाव का जो फल होगा उसे बारहवां भाव काटेगा। तो इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि जो पास्ट लाइफ का जो लेफ्ट कर्म है वह हिडन कर्म से कटता है। उसी प्रकार अगर हम आठवां घर को देखेंगे, जो हमारे पास्ट लाइफ का बैड कर्म है, उससे आठ गिनेंगे तो सात आठ, जो तीसरा भाव है वह अष्टम भाव के फल को काटता है। अब मान लीजिए यहां पे शनि और राहु की युति हो और तीसरे घर में बृहस्पति बैठे हो, और बृहस्पति उच्च के हो मान लीजिए,
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं और राहु बैठे हुए हैं, और हमने ये भी बताया कि पास्ट लाइफ का जो बैड कर्म होता है वह अष्टम भाव होता है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जातक के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा या फिर कोई पारलौकिक शक्ति उसे दिखना या फिर ऐसा कुछ एहसास होना, स्वप्न में आना, यह सब चीज दर्शाता है। लेकिन साथ ही बृहस्पति यहां पे उच्च होके बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, और अष्टम भाव से अष्टम है तीसरा, इसीलिए अष्टम भाव के फल को बृहस्पति काटता है। तो यहां पे अगर हम बृहस्पति का उपाय कराया जाए उस जातक को, तो इस भाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं वो शांत हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हम अपने पूर्व जन्म को समझ के, पूर्व जन्म के कर्मों को समझ के किस प्रकार हम अपने कुंडली को समझ सकते हैं और इस जन्म के कर्म को निर्धारित कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि जो भी लेफ्ट कर्म है, बैड कर्म है, संचित कर्म है, हिडन कर्म है, इन सभी के फल को उस घर से आठवां काट सकता है। लेकिन बस एक ही घर, लेकिन जो गुड कर्म का भाव है, जो नौवां भाव है, उससे आठवां नौवें भाव को फल को नहीं काट सकता। कहने का मतलब है कि जो पास्ट लाइफ के गुड कर्म है उसके फल को कोई भी भाव नहीं काटता है, और इसी गुड के कर्म के कारण हमारा जन्म होता है, और जिसके कारण हम यहां पे जो भी इस धरती में अच्छा भोग रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ नौवां भाव के कारण होता है, इसीलिए यह हमारा भाग्य स्थान भी कहलाता है। तो हमने जाना आज कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म को हम किस प्रकार देख सकते हैं अपने लग्न कुंडली में। पूर्व जन्म के लेफ्ट कर्म है छठा भाव, पूर्व जन्म का बैड कर्म है आठवां भाव, पूर्व जन्म का संचित कर्म है पांचवां भाव, और हिडन कर्म है बारहवां भाव, और नौवां भाव जो भाग्य स्थान है वह पूर्व जन्म के गुड कर्म दर्शाता है। तो इस विधि को आप देखकर अपने कुंडली में यह भी निकाल सकते हैं कि आपके कौन कौन से भाव के मालिक का युति है, कौन कौन से कर्म के भाव के मालिक का युति है, और आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीज समस्याएं हैं या फिर कुछ भी हो रहा हो, वह क्यों और किस प्रकार वह ड्रिवन हो रहा है, यह हम अपने कुंडली को देख के जान सकते हैं। और पूर्व जन्म के भाव का स्थान नौवां भाव होता है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि किसी जातक के, मान लीजिए अष्टम भाव में शनि हो, तो यह दिखलाता है कि जातक बहुत ही, चूंकि शनि दुख के कारक है और अष्टम भाव का स्थान भी दुख का स्थान है, मैलेफिक हाउस है ये, तो शनि यहां पे बहुत ही दुख क्रिएट करते हैं लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ इस जातक को एक इंटरनल क्वालिटी प्राप्त होती है कि वह पारलौकिक चीजों को समझ सके, वह भगवान भूत प्रेत इत्यादि जो भी चीजें हैं, जो इस संसार से परे चीज हैं, उसे वह समझ सकता है, वह उससे कनेक्टिंग में रहता है, किसी ना किसी प्रकार वह उससे कनेक्टेड रहता है। और जब इस कुंडली को अगर देखा जाए तो यहां पर अष्टम भाव के मालिक अपने से अष्टम में बैठ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अष्टम से अष्टम में अष्टम भाव के मालिक बैठे हुए हैं। यहां धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पे शनि बैठे हुए हैं। तो यह ऐसे जातक की कुंडली है जो अपने जीवन में कुछ पारलौकिक शक्तियों को अनुभव करता हो, या तो उसे अपने स्वप्न में आता हो, या फिर उसे किसी ना किसी प्रकार कोई अच्छी शक्तियां उसे कोई ना कोई प्रकार से उसे मैसेज देती हो, वह इन चीजों को समझता भी हो, इन चीजों को कैच भी करता हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ होती हैं बट वो हम कैच नहीं कर पाते, वो हम समझ नहीं पाते हैं,
लेकिन जो ऐसा जातक होगा जिसके नवम भाव में, जिसके बैड कर्म में शनि बैठे हों, तो शनि उसे यह सामर्थ्य भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आगे अपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के वीडियो को लेके। आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे वेबसाइट astrofouryou.com में संपर्क कर सकते हैं, और कृपया करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।